गुड मॉर्निंग डायरेक्शन, गुड मॉर्निंग डायरेक्शन। सीखना जरूरी है कि नहीं? यस। दुनिया में कोई ऐसे आदमी मिला जो कि उसको शिक्षा से फूल हो गया? नहीं। पैसा और शिक्षा दुनिया में इनाफ है? नहीं है। नहीं ना। कुछ ऐसे लोग जब हम बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में तो बोलते नहीं 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 हमको अब नहीं चाहिए, सब कुछ पूरा हो गया, ऊपर वाले का देन है। राइट, मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्या कहता हूँ, जब तुम खुश हो तो वो खुशी अपने परिवार के साथ जाके बांटो ना। क्यों अकेले दो तल्ले बेड में सोते हो खटमल के साथ? कोई फायदा है क्या? नहीं। आप खुश हो तो आपके परिवार के साथ वो खुशी बांटो ना, आपका परिवार भी खुश। लेकिन खुशी कहाँ से आती है? जब जेब गर्म है तब खुशी आता है। राइट, हाँ। बीवी कितना भी अच्छा क्यों ना, लेकिन साथ रहने का दिल नहीं करेगा। क्यों? जब जेब में पैसा नहीं है और जरूरत बढ़ जाता है तब रहता है क्या कोई? तो यही प्रॉब्लम है। राइट, जब आपके पास पैसा है तो समझो दुनिया, आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, आप हमेशा खुशी रहेंगे। पैसा नहीं है तो खुशी मुस्कुराहट जो आपके स्माइल जो यहाँ से निकल जाता है। राइट, इसके बाद लोग जमाने में भी बुढ़ापा दिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब समस्या ज्यादा है तो क्या करेंगे, हैप्पीनेस तो है नहीं सभी पे, मुस्कुराहट चली गई जिंदगी से तो आप बुढ़ापा नहीं दिखेंगे। और कुछ ऐसे लोग सक्सेसफुल लीडर आप देखेंगे जो डीएक्शन का, जो अभी भी 60-65 साल का हो गया लेकिन फिर भी 18 साल का जमान बोल के घूमते हैं। तो हमको क्या है, लर्निंग करना जरूरी है। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप कमाओगे। एक बात याद रखना, जिंदगी में आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। राइट, तो हमको क्या करना है, कहीं भी सीखना है। और डीएक्शन में तो सर और ज्यादा सीखो, जितना सीखोगे उतना कमाओगे। राइट, तो यहाँ पे भी आपको चौतरफी नॉलेज मिलता है। एक इंजीनियर से भी आपको सीखने को मिलेगा, एक डॉक्टर से भी सीखने को मिलेगा, एक दिन भर सेफ्टी शूज और डंगरी लगा के काम करने वाला एक सावल ऑपरेटर, राइट, बेलचा मारने वाला आदमी से भी आपको सीखने का चांस मिलता है डीएक्शन। राइट, तो यहाँ पे आपको चौतरफी नॉलेज मिलेगा, ये है डीएक्शन। राइट, और आज के लोग बिजी कहाँ पे है? गुड मॉर्निंग डीएक्शन, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। कोई सीखना चाहता है क्या? नहीं चाहता। राइट, ड्यूटी में है तो मोबाइल, कहीं फ्री वाईफाई मिल गया तो वहीं पे बैठ के पूरा टाइम वेस्ट कर देगा। राइट, किसका वाईफाई खुला है, चलो उधर लॉक तोड़ के आना। तो कुछ ऐसे लोग हैं कि 40,000 वाईफाई देते तो उसका लगाने निकालते, रूम से निकलते ही नहीं है। कि पैसा दिया हो तो क्यों रूम से भागू, पहले उसका लगाने तो निकाल लेता हूँ। अरे बुड़बक, राइट, तुम्हारा 40 रियाल की वजह से तुम्हारा पूरा 40 साल नहीं बल्कि 50 साल तक नौकरी करना पड़ेगा, अगर जो 40 रियाल का लाभ करके अगर जो लालच करके बैठोगे। क्यों? क्योंकि समय निकल गया तो तुम्हारा दूसरा समय मिलेगा नहीं। तो हमको क्या है कि आजकल के लोग काफी तरह इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं, मोबाइल में। राइट, यस सर, अंदर आ जाओ, डोर लॉक। गुड मॉर्निंग डीएक्शन, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। तो हमको क्या करना है, सिस्टम को यूज करना है सिस्टमेटिक तरीका से। मोबाइल नहीं चलाओगे नहीं बोलूंगा, राइट, लेकिन आप मोबाइल भी चला रहे हो तो उसको सिस्टम से यूज करोगे, क्योंकि वही सिस्टम है जो कि दुनिया में कहां से कहां लोग पहुंचे। दूसरी बात, गुड मॉर्निंग डीएक्शन, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। जो लोग सीखते हैं, जो लोग नहीं सीखते हैं, देखते हैं ना फोटो, सीखने वाले का लोग क्या होता है, खुलता है कि नहीं खुलता है, और जो लोग नहीं सीखते क्या होता है, बंद रहते हैं। जो लोग डीएक्शन में बार 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 ट्रेनिंग लेते हैं ना, ये लोग का दिमाग क्या होता है, हमेशा खुला रहता है। राइट, एक ओपन ताला तो कहीं भी जाके लग सकते हैं ना, लेकिन एक जहां अड़क गया जिसका ताला ही लग है वो बॉक्स का, ना तो उसमें कुछ डाल सकते हैं ना तो कुछ निकाल सकते। राइट, उसमें कचरा भरा है तो कचरा ही सड़ेगा, अच्छा भरा है तो फिर भी वो कचरा हो जाएगा। तो इसके वजह से पढ़ने के बाद क्या होता है, रीडिंग करने के बाद, आपको सीखने के बाद, आपके जो दिमाग का ताला है ना, जो आपके दिमाग में जो पुरानी बात है ना वो सब निकल जाएगी, आपका नया नया बात आपके लाइफ में आ जाएगा। राइट, तो हमको सीखना जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं, डिसीजन, गुड मॉर्निंग डीएक्शन, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। अभी डीएक्शन में गया, अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। हाँ, प्रोडक्ट भी अच्छा है, सिस्टम भी अच्छा है, लोग कमा भी रहे यार, हमको भी कमाना चाहिए। डिसीजन लेंगे कि नहीं लेंगे? कौन लेगा डिसीजन, आपका बीबी, आपका पापा? हाँ, लोग दारू पीने के लिए बीबी से पूछते हैं क्या? हाँ, बुढ़ी माँ आधा रक्सी खान से कोई पूछता है क्या? नहीं ना, मारेगी फोन में घुस के मारेगी। राइट, तो कोई भी नहीं पूछते हैं। बाप से कोई पूछता है, हाँ पापा जी आज दसवीं का थोड़ा पार्टी था, 2 बोतल मार लेता हूँ, कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा। लेकिन डीएक्शन ज्वाइन करने के लिए उसका हजुरबा है जिसको डीएक्शन का डी भी नहीं सुना है, उससे फोन करके पूछेगा।
कि मैं डिएक्शन करना चाहता हूँ। अरे उसको क्या पता, इवन उनको क्या पता डिएक्शन, तुमको दो घंटा सिखाने के बाद भी तुम्हारे भेजा में नहीं घुसा तो तुम्हारे परिवार को कैसे पता चलेगा डिएक्शन? तो सबसे पहले हमको डिसीजन खुद हमको लेना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अभी बालक नहीं हो सर, बच्चे हो नहीं, 18 साल पूरा हो गए, नेपाल गवर्नमेंट ऑलरेडी आपको पासपोर्ट दे देगी, आप जवान हो गए हो, आप निर्णय कर सकते हो अच्छा बुरा, राइट? तो अभी आप खुद डिसीजन करो कि हमको क्या करना है, अगर जो मैं ज्वाइन हूं तो इसमें सक्सेस होना है, नहीं हूं तो हमको ज्वाइन करके आगे बढ़ना, राइट? डिसीजन करना। तो भीड़ से जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक जिंदगी में आजादी मिलेगा क्या? अपना रूम वाला 5 साल के साथ, 5 साल हो गया उसी रूम में बैठ के दारू पीता हूँ लेकिन एक रियाल भी एक्स्ट्रा कमाई नहीं हुआ, राइट? 5 साल उसी रूम में बैठ के वही केम में बैठ के किरम बोर्ड का गोटी फेंक रहा हूँ लेकिन साला एक बीघा भी नई जमीन खरीदा, कुछ तो परिवर्तन हुआ नहीं, तो अब क्या कर लोगे? कुछ होगा, डिसीजन लो। दुनिया का भीड़ से आपको अलग, अगर जो अलग कुछ बनाना है, अलग कुछ करना है तो लोगों से अलग ही करना पड़ेगा दोस्त, नहीं तो जो दुनिया कर रहा है वही करोगे तो दुनिया को मिलना वही मिलेगा, उससे अलग नहीं मिलेगा। अगर जो आप अपने परिवार को, आप अपने बच्चे को, आप अपने समाज में अगर जो अच्छा इंसान बनके अच्छा इनकम बनाना चाहते हैं, अच्छा घर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको वो दुनिया को भीड़ से निकल के आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, नहीं तो जो दुनिया कर रहे हैं ना वही तरीके से आपका भी जिंदगी होगा। तो डिएक्शन में लोग ज्वाइन होने के बाद भी ये जो कम्फर्ट जोन है ना, ये जो भीड़ है, इससे निकल नहीं पाते कुछ ऐसे लोग, और जिन्होंने निकल गया उनका जिंदगी तो फिर आजाद है, राइट? लेकिन कुछ ऐसे लोग उसी भीड़ में बैठे, क्यों? क्योंकि 5 साल यार एक मेस में खाना खाए ना, तो अभी वो बोलता है खाना बनाने के लिए तो मैं फिर कैसे समझता हूँ, 5 साल का रिलेशन ऐसा ना टूट जाए, अरे भाड़ मारो ऐसे रिलेशन का, राइट? वो तुम्हारे घर में 10,000 रुपया का जरूरत पड़ जाएगा, कल आप नेपाल में वो भी नेपाल में, वो आगे देगा अपने परिवार में 10,000 नहीं देगा, कल आपकी बीबी के डिलीवरी का प्रॉब्लम हो गया हॉस्पिटल में 1,00,000 रुपया चाहिए, वो देगा 1,00,000 रुपया नहीं देगा। तो जो इंसान सिर्फ यहाँ के लिए रिलेशन है उसके व्यवहार के लिए आप अपनी लाइफ में बर्बादी कर सकते हो, तो आप अपने परिवार के लिए क्या आप अकेले जाके मेहनत नहीं कर सकते हो? तो इसकी वजह से ये जो कम्फर्ट जोन, जो भीड़ है, इससे हमको निकलना है। दूसरी बात ये क्या है, गुड मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग रिएक्शन आती है ना, सबको पता आती है, हाथी बांधा हुआ है, कहाँ पे बांधा हुआ है? एक जंजीर है, राइट? उतना बड़ा हाथी, उतना बड़ा हाथी है, अगर जो चाहे तो नहीं तोड़ सकता है, तोड़ सकता है ना, लेकिन तोड़ता क्यों नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि वो जंजीर है ना, उसके पैर में नहीं उसके दिमाग में बंधा हुआ है, क्यों मालूम है? क्योंकि बचपन में वो बहुत कोशिश किया, राइट? पूरे जंजीर में, क्योंकि बचपन में जंजीर में बांधा था, वो बहुत ट्राई किया, उसका पैर कट गया, पैर छाला निकल गया, ब्लड आ रहा है, लेकिन वो छुटा पाया क्या, तोड़ पाया क्या? नहीं तोड़ पाया। 1 साल ट्राई किया, 2 साल ट्राई किया, 3 साल ट्राई किया, ऐसे करके करके 4 साल 5 साल वो बहुत कोशिश किया, बाद में वो नहीं टूटा। बाद में उसके दिमाग में क्या हो गया, छोड़ो उसको समझाने वाले ले, उसके माँ बाप भी वही बोले, अरे मैं तो नहीं तोड़ सका तो मेरा बच्चा है क्या तोड़ सकता है, बैठ के खाने को मिल रहा है, बस बैठे रहो इसी जंजीर में, राइट? टेंशन मत लो, क्योंकि ये टूटने वाला जंजीर नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है, आप जाके गलती से उस हाथी को बोल दो, हाथी भाई अरे तुम्हारे पास पावर है यार, एक बार झटका मार, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। वो एक पेड़ को तोड़ सकता है तो रस्सी क्या, राइट? लेकिन वो तोड़ता है क्या? बचपन में वो छोटा था, अभी वो बड़ा हो गया, अब तोड़ेगा तो नहीं टूटेगा? लेकिन जो बचपन में उसके दिमाग में जंजीर लग गया, सबसे बड़ा वो, जब तक वो जंजीर नहीं टूटेगा तब तक उन्हें। तो हमारे जिंदगी में भी बस यही है, जितना चादर है उतना पैर फैला लो। तो इसका मतलब 1,000 याल चलिए तो 1,000 याल में लड़के को पढ़ा लो, बीबी को सब कुछ, बच्चे लोग को सब कॉम्प्रोमाइज कर लो, उससे ज्यादा कमाने के लिए सोचो ही मत, यही है ना? बाप गरीब, बेटा गरीब, ग्रैंड फादर गरीब, मैं भी गरीब, मेरा नाती पोता भी गरीब, क्या गरीब का वो ठप्पा लग के आया कि तुम गरीब तो तुम्हारा सारा खानदान गरीब है? नहीं है ना, जो अमीर है उसका अमीर अमीर है, नहीं है ना सर? आज के दुनिया में परिश्रम ऐसा एक वर्ड है, परिश्रम ऐसा एक काम है कि अगर जो आप कंटिन्यू आप कोई भी जगह पे मेहनत करें ना,
तो आपकी भाग्य का रेखा रेखा जो बोलते हैं भविष्य होता है सब बदल देता है। लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ हो, आज के दुनिया में जो काम किया उसका रिजल्ट उसे मिलता है, वो भाग्य होगी सर कुछ नहीं। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक सक्सेस नहीं होगी, राइट। तो ये जरूरी है हमको ये निकलना। कुछ ऐसे लोग तो सोचते नहीं है, क्यों? क्योंकि दादा हमारे गरीब तो हम क्यों अमीर बने, हमारे बाप ने तो कभी बाइक में बैठा ही नहीं तो हम क्यों बाइक ले साइकिल से चलते हैं। ऐसा होगा नहीं, दुनिया चेंज हो गया। अगर आप अपनी सोच को नहीं चेंज करोगे, जब तक ये प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं आओगे तब तक आप आजादी मिलेगा क्या? नहीं, नहीं मिलेगा। तो यही बात हमको क्या करना है, जो हमारा प्रॉब्लम उसको निकलना है। दूसरी बात यहाँ पे देखते, कुछ ऐसे लोग हैं बने हुए हैं एक बोतल के सहारे बने हैं। गुड मॉर्निंग डी एक्सन, गुड मॉर्निंग डी एक्सन। उनको सिर्फ प्लान यही होता है जुमेरात किसके रूम में जाके कौन सा वाला पीना है, श्रीलंका पीना है कि लाल वाला। तो इस तरीके से कुछ ऐसे लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं एक बोतल के सहारे, राइट। उनका बाप दादा जो जमीन जोड़ के रखते हैं वो भी बिता देते हैं इसी बोतल के सहारे। तो ऐसा जो है, ये आपकी हैबिट की बात कर रहा हूँ, हमारे दोस्त लोग यही सब कंफर्ट जोन में बने हुए, राइट, यही सब समस्या में बने हैं, इसीलिए लोग नहीं निकलते डिसीजन करने के लिए। लेकिन आप अगर जो सक्सेस होना चाहते हैं तो ये सब प्रॉब्लम से आपको क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, राइट। आपको अकेले चलना पड़ेगा, कब तक? जब तक आपके टीम में कुछ लोग ना हो जाए आपके जैसे, राइट। तो ये होता है, और आगे बढ़ते हैं। योर गोल सेट, आपको जाना कहाँ पे? गुड मॉर्निंग डी एक्स, अयोध्या में जाना है तो 33 नंबर बस पकड़ना पड़ेगा, राइट। 32 भी जाता है, राइट, 57 भी जाता है, लेकिन बहुत घुमा के जाता है, राइट। तो आपको अगर जो जाना कहाँ पे आपको पता है तो आप काम कर सकते, राइट। तो सबसे पहले आपको टारगेट ले लो कि मैं क्यों कर रहा हूं डी एक्शन, आपका एक राइट डिसीजन होना चाहिए, राइट। हम कतार में क्यों करते हैं, कतार में हम लोग कतार में काम क्यों करते हैं सर? वो पैसा, पैसा। गुड मॉर्निंग डी एक्शन, सबको चाहिए पैसा, राइट। पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, हो सकता है आप पैसा कमा के क्या करेंगे आपका प्लान है, आप पैसा कमा के क्या करेंगे आपका प्लान है, और मैं पैसा कमा के क्या करूंगा मेरा। सबका टारगेट है सिर्फ पैसा, लेकिन उस पैसे से हम क्या करेंगे मेन रीजन वहां पे जाता है, जाता कि नहीं? हो सकता है कोई अपने बच्चे को पढ़ाएगा, कोई एक्स्ट्रा पैसा, कोई लाइफ और कुछ जमा कर रहा है तो किसी का जरूरत है। तो पैसा सब लोग कमाते हैं, लेकिन उसका एक राइट रीजन होता है, एक विजन होता है कि मैं इस पैसे को एक काम करूंगा। वो काम आपको यहाँ पे मोटिवेट करता है काम कराने के लिए, राइट। तो आपको एक गोल सेट होना चाहिए कि हम डायरेक्शन क्यों कर रहे हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बाय फ्रीडम में तो डिएक्शन दे रहा है, लेकिन आपका एक पर्सनल रीजन होना चाहिए, राइट। आप खुद तैयार करो क्योंकि ये आपके ऊपर, राइट। क्योंकि हमारा बात करेंगे तो मैं सर देखो नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, राइट। मैं यही बोला हूँ कि जिस दिन मेरा 25 साल पूरा हो गया, राइट, अभी एक साल बाकी है, तो मैं 25 साल के बाद पूरे लाइफ में मैं नौकरी करूंगा ही नहीं। घर में जाता भी बोल देता है, किसी से बातें बात हो गया मैं बोल दिया, तो अभी एक साल बाकी है, तो एक साल अभी बाकी है, तो एक साल का सीधा सीधा टाइम नहीं है कि 2020 में तो तिरपा टाइम तो बनना है, राइट। और तो तिरपा टाइम बन जाऊंगा तो कुछ नहीं तो 20,000 या तो आएगा, तो अभी 1,000 के लिए काम कर रहा हूं, जब 20,000 आएगा तो क्या फिर भी नौकरी करेंगे हम? कोई करेगा नहीं करेगा। अरे 20,000 छोड़ो, 10,000 तो आएगा ना, फिर भी कोई नौकरी करेगा नहीं करेगा। तो आपके अंदर एक टारगेट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते, आप करते हैं क्या? नहीं ना। तो आपके अंदर भी एक डिजायर होना चाहिए, आपके अंदर भी एक डिसीजन होना चाहिए, आपके अंदर भी एक गोल सेट होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ पे, आपको कहाँ पे जाना है डायरेक्शन में। स्टार रीजन, स्टार रूबी, स्टार डायमंड, सीनियर स्टार डायमंड, डबल डायमंड, अभी यही दे रखता हूँ, राइट। आपको कहाँ पे जाना है, आपको बनना है कहाँ पे, ये सब डिएक्शन का तरक्की का पोस्ट है, राइट। आप गलती से भी कोई भी पोस्ट अचीव कर रहे हैं फिर भी आपको प्रमोशन, अपने कंपनी में 10 साल मर जाओगे रगड़ रगड़ के लेकिन कोई पोजीशन नहीं मिलेगा, हो सकता है लेबर में आए थे सुपरमैन बन जाएंगे, राइट, उससे अच्छा सुपरवाइजर बन जाएंगे, कंपनी का मुदीर बनेंगे क्या? नहीं, हमेशा मुख माफी बन के घूमेंगे 10 साल।